अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, बेसन हमने लिए 2 कप, घी हमने लिए 1 कप, पिसी हुई शक्कर 1 कप, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़े से किशमिश, थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम। कढ़ाई को हमें पहले ही गर्म कर लेना है। कढ़ाई में हम घी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे और लो मीडियम पे बेसन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बेसन हमारा घी से सेपरेट हो चुका है, अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा करने रख देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन में हमने शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे किशमिश से गार्निश करेंगे और इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।